जतिन भाई, इंटरव्यू के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहरबानी। आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो बचपन की जो कलाकार का जो मन होता है, वो तो बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है। उसकी जो अर्लीस्ट मेमोरीज हैं, जो आज भी आपको हॉन्ट करती हैं या कभी कभी उनका आपको, वो ऐसी कौन सी मेमोरीज हैं कि मयूरभंज के इलाके में आपका जो उस समय समय बीता? अभी तो मेरा 76 ईयर्स हो रहा है और एकदम से मैं चौंक गया हूँ कि समय कैसे चला गया। हमने कुछ किया नहीं जिंदगी में ढंग का कोई काम। जो जो काम करने का इच्छा है, बहुत सारे अंधेरे कमरे में है, मतलब आइडियाज थॉट्स जितने हैं उसका 0.01% भी हमने काम नहीं किया, एक बात है। और बचपन का बहुत सारे चीज याद है, बॉम्बे का टाइम का बहुत सारे चीज याद है, लेकिन अभी का इन लास्ट 30 ईयर्स बहुत सारे चीज भूल गए हैं। ये दिलीप चित्रकर के हमारे बहुत खास दोस्त थे, बहुत फेमस पोएट एंड राइटर एंड क्रिटिक बॉम्बे में। वो कहता था, जतिन क्या करें, हमारे किताब पहले उसका पन्ने कोड़े थे, अभी सारा भर गया है, तो भूलने का तो ये नेचुरल है, ये बात है। तो मयूरभंज एक उड़ीसा का बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था, राजौड़ा। और मयूरभंज उड़ीसा के लिए बहुत कुछ किया है। मयूरभंज में जो राजा, वो अपने स्टेट के बदले कटक में मेडिकल इंस्टीट्यूट किया, यूनिवर्सिटी का जो स्थापना हो उसके लिए पैसा दिया, रेवेंचा कॉलेज हो उसके लिए पैसा दिया, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज वगैरह वगैरह। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में संस्कृत चेयर का भी उत्पन्न किया। तो ये बहुत गुणी थे, बहुत एनलाइटन थे। हमारे बचपन में उड़ीसा में कहीं कलर प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, हमारे टाउन में था बारीपदा जिसको कहते कैपिटल, वहाँ काउंसिल हॉल में 12-12 फीट के ऑयल पेंटिंग लगे हुए हैं, समझ रहे। वहाँ म्यूजिक कॉन्सर्ट बड़े गुलाम अली खां, आईटी कानन वगैरह आते थे साल में एक दफ़ा। स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, थिएटर, मेरे बहुत सारे मेरे बड़े भाई उनके दोस्त वगैरह रात को थिएटर करते थे, दोपहर को कॉलेज जाते थे। कजिन वगैरह सब कोई म्यूजिक सीखते थे, कोई डांस सीखते थे। मेरे बड़े भाई बहन वगैरह पेंटिंग करते थे, समझे। तो एक दैनिक जीवन में कलात्मक बोध का एक माहौल था, कलात्मक बोध दैनिक जीवन में। आजकल को जो कल्चर कहते हैं ना, वहाँ डांस परफॉर्मेंस है ऑडिटोरियम में या गैलरी में शो वगैरह है, वहाँ दैनिक जीवन में। मैं जब बॉम्बे में पढ़ने गया, उसके पहले मेरे बड़े भाई के एक दोस्त शांतिनिकेतन में पढ़ने गए थे। तो जब वापस आए दोपहर को 45 डिग्री टेम्परेचर में, मैं दोपहर को जाता था उनके पास वाटर कलर सीखने के लिए। कोई एक फोटोग्राफर थे, वो भी पेंटिंग करते थे। तो सारा और मूर्तियाँ, कोई गणेश मूर्ति बना, सरस्वती जगधात्री मूर्ति सब बन रहे हैं है? और वहाँ जगन्नाथ मंदिर है, उसके सामने हमारा घर है। तो अच्छा, घरों में कोई लक्ष्मी पूजा हुआ तो छोटे छोटे मूर्तियाँ, पीतल के कांसे की मूर्तियाँ निकल के उसको फिर नींबू में इमली में साफ करके पूजा होते थे। तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग वगैरह। शाम को मेरी बहन और सब लोग बैठ के ये करने का, क्या आरती के वक्त गाना गाने का, प्रार्थना करने का। तो सारा चीज अच्छा, बचपन में क्रिकेट पिच करना, क्रिकेट खेलना। हमारे जो हेडमास्टर थे, मेरे फादर को पढ़ाए थे, उन बड़े भाई को, मुझे, मेरे नेफ्यूज वगैरह, 4th generation है। और वो सिखाते थे कैसे मालूम, वाह, ये शब्द जो है ऐसा,
तो इंग्लिश हो, उड़िया हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, डांस, थिएटर सारा भरा, टोटल एक तरह का आर्ट का एक कला का एक चारों तरफ, और खेती है, बगीचा है, है शहर में जो होना चाहिए, स्मॉल टाउन बट ए प्लान सिटी। मैंने सुना उड़ीसा का सबसे पहले स्ट्रीट लाइट मरीपदा में हुआ, उड़ीसा में फर्स्ट टेलीफोन कनेक्टेड टू द राजा, उनके अपने एरोप्लेन थे, उनका एरोड्रम था, उनका एयरक्राफ्ट बीजू पटनायक ने खरीदा। हमने बचपन में 20 रोल्स रॉयस अलग अलग कलर के राजा के घर के सामने देखा है, तो हर किस्म का। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं बारूद का जो होता है झाड़, क्या बोलते हैं उसको, फायरवर्क्स, कभी कोई फंक्शन में लोग हैं जो कि पूरा रास्ता में 50 लगा हुआ है, खुद एक घंटा दो घंटा फायरवर्क चल रहा है, तो जित अच्छा। फिर रथ यात्रा है, फिर छऊ डांस है, फिर ट्राइबल पॉकेट्स बहुत है, उनका डांस म्यूजिक, उनका बाजा बज रहा है दूर से, यानी लोअर स्टेटा से लेकर हायर स्टेटा तक कल्चर पूरा पूरा भरा हुआ, जो कि बहुत रेयर चीज है। हाँ हाँ।